हेलो दोस्तों, मेरा हिमांशु। शायोमी की तरफ से बहुत ही कमाल के लीक सामने आए हैं कि शायोमी अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन पे वर्क कर रहा है। तो इस साल के एंड तक शायद हमें शायोमी की तरफ से भी एक फ्लैगशिप फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिले, बट ये काफ़ी हद तक सैमसंग के गैलेक्सी जेड फ्लिप जैसा देखने को मिल सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायोमी की तरफ से भी एक लीक सामने आया है कि उन्होंने वर्क कर रहे हैं एक डील पे, जहाँ पे उन्होंने सैमसंग का रिक्वेस्ट करा है कि उनकी जो ओलेड डिस्प्ले पैनल्स हैं, क्लैम्पशेल टेक्नोलॉजी वाली, क्लैम्पशेल फोल्डिंग जो डिस्प्लेस हैं जो गैलेक्सी जेड फ्लिप में यूज़ की गई है, वैसे ही वो अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिए चाहते हैं और वो शायोमी ने सैमसंग से मांगी है। और ये वाली डील अगर सक्सेसफुल हुई तो शायद शायोमी अपना मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे और अभी से उस पर वर्क करना शुरू हो जाएगा, और सेकेंड हाफ के 2020 तक हमें शायद मार्केट में फोल्डेबल स्मार्टफोन शायोमी की तरफ से भी देखने को मिले। तो जो इमेजेस वगैरह हमारे सामने है उससे ही पता चला है फ़ोन फोल्ड होने के बाद जो फ्रंट में एक डिस्प्ले मिलेगी वो बहुत ही छोटी होने वाली है, शायद 1 इंच की डिस्प्ले हो, और इसी के अंदर हमें सारे नोटिफिकेशन वगैरह, कैमरा वगैरह की, जो मतलब बेसिकली फ्रंट कैमरा होने वाला है इसका, और साथ में ही क्लॉक वगैरह, नेटवर्क स्टेटस बार वगैरह में इसमें देखने को मिलेगा। इसकी जो स्क्रीन होने वाली है वो कंप्लीट फुल स्क्रीन होगी, साथ में ही हमें स्क्रीन के ऊपर ही स्पीकर्स के लेफ्ट में फ्रंट कैमरा मिलेगा, और इसमें डुअल कैमरा सेटअप हमें बैक में देखने को मिलने वाला है, जिससे आप फ्रंट सेल्फीज़ भी ले पाएंगे, बट एक्चुअली में उसका कोई इतना एग्जैक्टली यूज़ नहीं है। इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह की अभी कोई लीक नहीं आया, बट प्राइसिंग की इन्फॉर्मेशन ये है कि 1500 से $2000 के बीच में ये वाला शायोमी का फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को हमें मिल सकता है। हाँ, ये काफ़ी महंगा है, बट ये Xiaomi का अभी तक का सबसे महंगा और सबसे लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा। तो देखते हैं हमारे एग्जैक्टली क्या फीचर्स वगैरह इसके देखने को मिलते हैं। यही थे जो लीक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, तो जो हमें Xiaomi के मिले, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें से काफ़ी हद तक सच होंगे, और देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होते हैं। अगर कुछ रहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगा उसकी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और इसी और वीडियोज़ अगर आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अब आपसे मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।